अज का नौजवान जिद करता भी मैं बुलट लेना है कहिंदा ना साडा मुंडा जां कहिंदा मैं आत्महत्या कर लूं कई घरां चित्रां भी हुंदा मैं आईफोन लेना है ते नहीं ते फिर मैं घर छड़ के चले जाऊंगा मापे भावें गरीब होण मापे भावे बेचारे अपना टाइम पास करते होना पुत्र की इच्छा हर रीत पूरी करने वास्ते बहुत घलना घलनी पैंदी है। अज का नौजवान कहिंदा मैं ट्रैक्टर उत्ते म्यूजिक सिस्टम लाउणा है जिहड़ा 50,000 रुपये का लगता है। अज का नौजवान जिद करता मैं वाल कटाने हैं। अज का नौजवान कहिंदा मैं दाढ़ी बुश कटाउणी है। पर बाबा दीप सिंह ने 18 साल का गभरू होकर एक जिद की थी। उन्हें जिद की थी है मां मेरे पिता जी मैं अमृत छकना ते धन गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करके आने गज के आखो सतना यह जिद को करता हूं 18 साल का पुत हो 20 साल का बच्चा हो जां कोई 25 साल का नौजवान हो अज के युग में मूँह यह गल निकलती हो मैं श्री अकाल तख्त साहब जाकर जा मैं महापुरखों को बेनती करा बाबा जी कि पंजा प्यारा का इंतजाम करो सानू अमृत छका कोई नहीं कहता पर बाबा दीप सिंह जी कहते मैं अमृत छकना ते पहुंचे मापिया के नाल आनंदपुर साहब की धरती अंदर याद रखो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के हस्त कमलों तो बाबा दीप सिंह साहब जी ने अमृत पहली बख्शिश उन्होंने जन्म अरदास होया दूजी बख्शिश उन्होंने अमृत गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथों तो छकिया आ तीजी कृपा एक होर होने लगी है। अज का नौजवान सेवा विच नहीं लगता विरले विरले है कोई भांडे मांजदा है कोई जोड़े संभालदा कोई विरला ते बाबा दीप सिंह साहब जी दो काम करते सन आनंदपुर साहब की धरती अंदर साखी पढ़ो इतिहास पढ़ लो बाबा दीप सिंह साहब जी जां चौंकड़ा मार के सब तो अगे गुरु की संगत में गुरु उपदेश सुन दे ते जे दीवान की समाप्ति होंगी तो लंगर के जूठे भांडे मांजदे भांडे मांज रहे ने बाटा हाथ में फड़िया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जनाम की समाप्ति तो बाद लंगर में आ गया। बाबा दीप सिंह साहब जी का मुखड़ा दूजे पासे नूं है भांडे मांजदे बाटा मांज रहे ने ते सतगुरु जी मोढे ते हाथ रख के कहिंदे दीप सिंह बाटा मांज रहे जदों आखना दीप सिंह बाटा मांज रहे एकदम तड़क के उठिया 18 साल का नौजवान ते हाथ जोड़ के कहिंदा दाता जी भुल हो गई है। महाराज जी कहिंदे केड़ी कहिंदा जी मैं उठ के तुहानू फतेह नहीं बुलाई। महाराज कहिंदे कोई गल जे उठ के फतेह नहीं बुलाई कोई गल नहीं पर जिहड़ा सवाल असां पुछा दा जवाब दे भी बाटा मांज रहे कहिंदा नहीं महाराज मैं बाटा नहीं मांज रहा। महाराज जी कहिंदे फिर की मांज रहे तेरे हाथ में बाटा है हाथ सुआह ना लिबड़े हुए है ते तू कहना मैं बाटा नहीं मांज रहा फिर की मांज रहे ते बाबा दीप सिंह साहब जी गभरू वो खलोता हाथ जोड़ के कहिंदा महाराज मैं ते अपना मन मांज रहा। महाराज मैं बाटा नहीं मैं अपना मन मांज रहा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहन लगे हस के किवें पता लगेगा दीप सिंह दा तेरा मन पवित्र हो गया किवें पता लगेगा मन मांजिया गया मन साफ हो गया की निशानी है ते बाबा दीप सिंह जी अधीनगी भी जान के कहिंदे महाराज मैं बाटा मांजदा ते अपनी अखां दे सामने करदा इहदे विचों मैनू मेरी फोटो नजर आउंदी है मैं फिर मांजण लग जांदा उस दिन दीप सिंह दा मन पवित्र ते साफ हो जाएगा जिस दिन वेखां इहदे विचों अपना चेहरा पर नज़र गुरु गोबिंद सिंह दी तस्वीर आवेगा जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु इहो जी बिरती बन सकदी 18 19 सालां दे गभरू ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਖੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਇਹ ਚੌਥੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਂਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਖਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਛੇਵੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਈ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਢੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।